धमाल फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट यानी टोटल धमाल को कल यानी 22 फरवरी को रिलीज किया जाना है। बताना चाहेंगे इस फिल्म का ट्रेलर पहले ही लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इस फिल्म के पहले ऑलरेडी 2 पार्ट सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म टोटल धमाल ब्लॉकबस्टर साबित होगी और ब्लॉकबस्टर साबित होने के हम आपको 5 बड़ी बातें भी बताएंगे। वो 5 बड़ी बातें कौन सी हैं इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस फिल्म में अजय देवगन ने संजय दत्त को रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धमाल फ्रेंचाइजी में संजय दत्त ने अहम भूमिका निभाई थी और दोनों इंस्टॉलमेंट में संजय दत्त मुख्य किरदार में नजर आए थे। लेकिन दोस्तों संजय दत्त को अजय देवगन ने टोटल धमाल में रिप्लेस कर दिया है और इस बात में कोई शक नहीं है कि संजय दत्त की कमी अजय देवगन इस फिल्म में खलने नहीं देंगे। अजय देवगन ने गोलमाल फ्रेंचाइजी में अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइम से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है और टोटल धमाल में भी वो लोगों को निराश नहीं होने देंगे। दूसरी बड़ी वजह की बात करें तो इस फिल्म का एडवेंचर, जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म में हमें जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे जिनके साथ इस फिल्म के स्टार कास्ट खूब ठाके लगाते हुए नजर आएंगे। ये भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी कॉमेडी फिल्म है जिसे 3D में रिलीज किया जाना है, तो जाहिर सी बात है ये फिल्म दर्शकों को बेहद ही पसंद आने वाली है। तीसरी बड़ी वजह की बात करें तो इस फिल्म के स्टार कास्ट, धमाल फिल्म के पहले इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इस फिल्म में 4 दोस्तों की कहानी थी, साथ ही इसी स्टार कास्ट के साथ इसका अगला इंस्टॉलमेंट यानी डबल धमाल बना था। लेकिन दोस्तों टोटल धमाल की बात करें तो इस फिल्म में एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट हमें देखने को मिल रही है जिसमें अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, ईशा गुप्ता, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, अली असगर और महेश मांजरेकर मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। यानी एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगी। चौथी बड़ी वजह की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी से पहली बार अजय देवगन, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर जुड़ने वाले हैं और अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित 2 दशकों के बाद ऑन स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं। साथ ही ट्रेलर में हमने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को एक साथ कॉमेडी करते भी देखा है। अक्सर अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित 90 के दशक में रोमांटिक या फिर इमोशंस भरी फिल्में किया करते थे, लेकिन टोटल धमाल में ये जोड़ी कॉमेडी करते हुए नजर आने वाली है। पांचवी बड़ी वजह की बात करें तो साल 2019 की ये पहली कॉमेडी फिल्म साबित होने वाली है। जी हां, साल 2019 की शुरुआत हो चुकी है और टोटल धमाल साल 2019 की पहली कॉमेडी फिल्म होगी और इस फिल्म से लोगों ने काफी ज्यादा आस भी लगाई है। तो दोस्तों ये थी टोटल धमाल से जुड़ी 5 बड़ी वजह जो फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाएगी। आपकी क्या एक्साइटमेंट है फिल्म टोटल धमाल को लेकर और आप इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।